जी हाँ, आज हम पार्ट थ्री शांति, आनंद और क्रोध के ऊपर बात कर रहे हैं। ओशो कहते हैं, आदमी के भीतर क्रोध होता है या क्रोध की फिर तैयारी होती है। अक्रोध की कोई अवस्था आदमी नहीं जानता। अशांति होती है, प्रकट होती है या तैयारी होती है। भीतर जो तैयारी के क्षण हैं उनको हम समझ लेते हैं शांति के क्षण, तो हम भूल में पड़ जाते हैं। हृदय के तार बिल्कुल ढीले हैं, उनसे क्रोध ही पैदा होता है, उनसे विकृति ही पैदा होती है, विसंगति ही पैदा होती है, लेकिन उनसे कोई संगीत पैदा नहीं हो सकता। मस्तिष्क के तार अगर बहुत खींचे हुए हो, उनसे पागलपन पैदा होता है, और हृदय के तार बिल्कुल ढीले हो, उनसे क्रोध, वैमनस्य, द्वेष, घृणा ये सब पैदा होते हैं। हृदय के तार थोड़े कसे हुए होना चाहिए ताकि उनसे प्रेम पैदा हो सके, और मस्तिष्क के तार थोड़े शिथिल होना चाहिए ताकि उनसे विवेक पैदा हो सके, विक्षिप्तता नहीं। और अगर ये दोनों तार ठीक संतुलन में आ जाए तो जीवन में संगीत की संभावना पैदा हो सकती है। तो हम दो बातों पर विचार करेंगे। ओशो कहते हैं, एक तो कि मस्तिष्क के तार कैसे शिथिल किए जा सके और हृदय के तार कैसे तीव्र किए जा सके। हृदय के तारों पर कैसे कसाव लाया जा सके और मस्तिष्क के तारों को कैसे शिथिल किया जा सके, कैसे रिलैक्स किया जा सके, इन दोनों बातों पर विचार करेंगे। और इन्हीं दोनों बातों की जो साधना है उसको ही मैं ध्यान कहता हूं। ओशो कहते हैं, उसको ही मैं ध्यान कहता हूं। उन दोनों की तरफ जो साधना है उसको ही मैं मेडिटेशन कहता हूं, उसको ही मैं ध्यान कहता हूं। और ये दोनों बातें अगर पैदा हो जाए तो फिर तीसरी बात पैदा हो सकती है, वह जो हमारा असली केंद्र है, जीवन का नाभि का, उस तक भी उतरना संभव है। इनमें संगीत पैदा हो जाए दोनों केंद्र पर तो भीतर गति हो सकती है। वह संगीत ही नाव बन जाता है हमें और गहरे ले जाने का। जितना संगीत पूर्ण होता है व्यक्तित्व, जितना भीतर संगीत पैदा होता है, उतने ही हम गहरे उतर सकते हैं। और जितना भीतर विसंगीत होता है उतना ही हम उथले रह जाते हैं, हम बाहर रह जाते हैं। आने वाले 2 दिनों में हम इस बाबत विचार करेंगे, और न केवल विचार करेंगे बल्कि प्रयोग करेंगे कि कैसे हम इन दोनों की वीणा को, यह जीवन वीणा के इन तारों को हम कैसे संतुलन में ला सकते हैं। ओशो कहते हैं, अभी जो 3 बातें मैंने कही वे ख्याल में रख लेने की है ताकि आगे जो बातें मैं कहूँगा उनसे आप उनको जोड़ सके। पहली बात, मनुष्य की आत्मा न तो मस्तिष्क में जुड़ी है और न हृदय से। मनुष्य की आत्मा जुड़ी है नाभि से। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है, वही केंद्र है। वह शरीर के ही मध्य में नहीं है, नाभि जीवन के भी मध्य में वही है। बच्चा पैदा भी उसी से होता है और जीवन का अंत भी नाभि से ही होता है। और जो लोग जीवन के सत्य में प्रवेश करते हैं उनके लिए भी नाभि ही द्वार बनती है।